हेलो फ्रेंड्स, बांग्ला स्टार चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास SBI का अकाउंट है तो उस अकाउंट में अगर आप एक नई ATM कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, अगर आप नई अकाउंट बनाए हैं तो उस अकाउंट में अगर नई ATM कार्ड आपका घर पे आई है तो उस ATM कार्ड का आप कैसे पिन को जनरेट करेंगे। अगर आपके पास एक कीपैड वाला मोबाइल है तो उस कीपैड मोबाइल से भी आप जो कि आपका ATM पिन को जनरेट कर सकते हो, और आप ATM पे भी जाके आप ATM मशीन के थ्रू आप अपना पिन को जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप ATM पिन को जनरेट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आप लोग को दिखाने वाले हो आपका मोबाइल से, जो कि आपका कीपैड वाला हो चाहे एंड्रॉइड हो, कोई भी मोबाइल से आप जो कि ATM पिन को जनरेट कर सकते हैं। चलिए, हम इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, और जिसने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जय घंटे जैसा बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं कीपैड मोबाइल पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए, आपको SMS में जाना है। यहाँ पे आपको क्रिएट SMS में जाकर यहाँ पे आपको एक नंबर टाइप करना है, 567676। तो ये नंबर टाइप करके आपको यहाँ पे एक SMS सेंड करना है। तो चलिए, मैं SMS में यहाँ पे आपको टाइप करना है, कैपिटल में आपको टाइप करना है PIN। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो कैपिटल में यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे आपको स्मॉल लेटर यहाँ पे बिल्कुल टाइप नहीं करेंगे। तो देखिए, मैं कैपिटल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेता है PIN। तो यहाँ पे PIN यहाँ पे टाइप कर लेंगे PIN। तो ये थोड़ा कीपैड मोबाइल मेरे को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे सही तरह से मैं यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ। और यहाँ पे पिन टाइप करके आपको स्पेस देना है। स्पेस दे के जो भी आपका ATM कार्ड का नंबर है, तो लास्ट का जो 4 डिजिट जो नंबर है, तो लास्ट 4 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो ATM कार्ड में आपका जो भी लास्ट 4 डिजिट जो नंबर आपको दिखाई देगा तो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे हम 4 डिजिट का नंबर यहाँ पे हम टाइप कर लेते, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको जो पेज देना है। तो चलिए, यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा पेज देने के लिए मेरे को यहाँ पे आप तो चलिए मैं यहाँ पे पेज दिया। पेज देने के बाद जो भी आपका अकाउंट नंबर है, तो अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो चलिए, अकाउंट का जो भी लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। तो जैसे आप अकाउंट नंबर यहाँ पे 4 डिजिट जो लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको सेंड ऑप्शन में जाना है। सेंड ऑप्शन में जाके आपको ये आपको सेंड कर देना है। देखिए, मैं यहाँ पे सेंड कर दिया। तो जैसे आप सेंड कर देंगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मेरा जो यहाँ पे देखिए ₹3 जो चार्ज यहाँ पे काट लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे SMS चार्ज जो है ज़्यादा काटता है, मेरा ₹3 काट लिया SMS चार्ज। तो आप लोग का मोबाइल में भी पैसे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मोबाइल में बैलेंस नहीं रहेगा तो आप SMS सेंड नहीं कर पाएंगे। तो आपका मोबाइल में बैलेंस रहना ही पड़ेगा, जो आप मोबाइल में कम से कम ₹5 बैलेंस रख दीजिए। तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए, जो मैसेज SMS देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो भी आपका टेम्पररी जो ATM पिन है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। तो जैसे आती है, देखिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, तो अभी आ जाएगा। तो देखिए, मेरा जो SMS जो है मेरा मोबाइल पे आ चुकी है। तो मैं इसको अभी आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूँ, जो मेरा टेम्पररी पिन जो आ चुका है। तो इसका लॉक निकल कर देखिए, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मेरा जो SMS यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं इसको जैसे ओपन कर लेंगे तो देखिए, मेरा जो टेम्पररी पिन है यहाँ पे देखिए मेरे को मिल गया है। तो देखिए, मेरा ऑन टाइम पिन है। तो इस तरह से आपका जो पिन 4 डिजिट का आपको मिल जाएगा। तो ये आपको जो पिन है, ये आपको ATM मशीन में जाके आपको ये पिन को चेंज कर लेना है। फर्स्ट टाइम आपको चेंज कर लेना है। जैसे आप चेंज कर लेंगे तो आपका पिन जनरेट हो जाएगा, तो तब जाके आप ATM का सर्विस आप ले पाएंगे। तो चलिए, हम ATM में जाके आप लोग को दिखा देते हैं कैसे आप ATM में जो है कि आपका पिन को चेंज करेंगे। तो देखिए, जैसा आप ATM मशीन में आएंगे, तो देखिए ATM मशीन में आपको कुछ इस तरह से सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे आप यहाँ पे आपको कार्ड डालना है। तो जैसे आप ATM मशीन में कार्ड डालेंगे, तो कार्ड डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको का लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो हम यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेंगे। जैसे आप इंग्लिश चूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप कोई भी 2 डिजिट का आपको नंबर यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी आप 2 डिजिट का नंबर आप डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे यस में क्लिक कर देना है। जैसे आप यस में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको
आपका जो भी आपका जो ऑन टाइम पिन आपको मोबाइल में जो मिला है 4 डिजिट का, तो वो पिन आपको यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे आप पिन को एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको आपका बैंक को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे आपको जो बैंकिंग सर्विस है, यहाँ पे आपको बैंकिंग सर्विस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप बैंकिंग सर्विस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ तरह इस तरह से सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पिन चेंज ऑप्शन जो आपको देखने को दिख रहा है, तो पिन चेंज ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे आप पिन चेंज ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका नया पिन आप जो आप बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये आपको आपका सीक्रेट पिन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 4 डिजिट का पिन, आप कोई भी नया पिन यहाँ पे आप डाल दीजिए। जैसे आप नया पिन डाल देंगे तो दोबारा आपको यहाँ पे देखिए आपको आपको दोबारा वही पिन आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोबारा आप वही पिन आपको यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए आप जैसे आप यहाँ पे पिन डाल देंगे तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांजेक्शन इज बनिंग प्रोसेस, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। जैसे आप वेट करेंगे तो कुछ टाइम बाद देखिए यहाँ पे देखिए योर पिन हैज़ बिन चेंज सक्सेसफुली, थी इस तरह से सर्विस आपको दिखा रहा है यहाँ पे, आपको इस तरह से मिल जाएगा देखने को। जैसे आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे योर पिन हैज़ बिन चेंज सक्सेसफुली आपको दिखाएगा, तो आपका पिन जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है, तो आपका जो नया पिन बन चुका है। तो वही आपका जो सीक्रेट पिन है, तो अभी आपने जो नया पिन बनाया है तो वही आपका जो सीक्रेट पिन हो चुका है, तो वही से आपका जो ATM का ट्रांजेक्शन आप बड़ी आसानी से कर सकती है। तो इस तरह से आप जो अपना बैंक ATM कार्ड का पिन जो है इस तरह से जनरेट कर सकती हो। तो आशा करते हैं हम आप लोग को इस वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। अगर और भी कुछ आगे जानकारी चाहिए तो आप हमको वीडियो में कमेंट करके पूछ सकती हो। तो आज के लिए वीडियो मेरा इतना तक, आपका दिन शुभ रहे।